मैं फिर आपको निवेदन करूं, बाप आप जितने लोग यहां पर बैठे हैं और जितने इस माध्यम से मुझे सुनते हैं, ये संदेश मेरा सबके लिए, आपको अपनी क्षमता का परिचय पाना होगा। आपकी मेरी सबकी आध्यात्मिक संभावना बिल्कुल एक है, मैं भी भगवान को पा सकता हूं और आप भी पा सकते हैं। मैं भी अपने जीवन को सदुपयोगी बना सकता हूं, आप भी बना सकते हैं। स्वामी शरणानंद जी महाराज तो कई बार कहते थे, बोले अपने जीवन को ईश्वर की बगिया की खाद बना दो। हरि नाम से नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गा। और गुरु साहेब की वाणी सुनो तो मुझे लगता है कि इस संसार में चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सबको काल का भय है। ब्रह्मा को भी अपने ब्रह्म पद के एक दिन समाप्त हो जाने का भय है। चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सब भयभीत हैं। इस लोक में, इस संसार में अगर कोई जन निर्भय देखा गया है, मेरे राम राय तू संता का संत ते, तेरे सेवक को पाओ किछ नाही, तेरे सेवक को पाओ किछ नाही, जमना आवे ने मेरे राम जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे, चित ना ल्यावे मेरे राम राय तू संता संत तेरे, मेरे राम राय तू संता संत तेरे, तेरे सेवक को जमना आवे ने रे मेरे राम राय तू संत का संत तेरे, ज्ञान ध्यान किछ कर ना जाना, ज्ञान ध्यान किछ कर ना जाना, सार ना जाना कल राखी मेरी, जिस कल राखी मेरी, मेरे राम राय तू संता संत ते, मेरे राम राय
ज्ञान ध्यान किछ करम ना जाना, ज्ञान ध्यान किछ करम ना जाना, सार ना जाना कल राखी मेरी, जिस कल राखी विशुद्ध स्वरूप और जीव का विशुद्ध स्वभाव। स्वरूप क्या है भगवान का? सेवक। और स्वभाव क्या है? सेवा। जीवन को सरल सुंदर सरस बनाने की विधि है सेवा। तो एक बार मैं प्रथम दिन की ओर चलूं फिर आगे बढ़ूं। कृपा के तीन रूप, पहला, दूसरा, तीसरा, और गुरु कृपा और इष्ट कृपा की पात्रता है आत्म कृपा। आत्म कृपा की तीन विधियां, सत्संग, सेवा और सिमरन। और सेवा की भी तीन विधियां, मनसा, तनुजा और वित्तजा। तन से, मन से और धन से, तीन प्रकार से सेवा की जा सकती है। सबसे सरल है धन से कर देना। आपको लगेगा नहीं महाराज धन से सबसे कठिन है, धन से सबसे सरल है। तन लगाना और कठिन है, मन लगाना और कठिन है, लेकिन ये तीनों जुड़े हैं एक दूसरे से। पहले पहले धन ही लगेगा, पहले पहले धन लगेगा, ध्यान देना। तन लगेगा फिर अंत में जाके मन भगवान की सेवा में, मन इष्ट आराध्य की, मन गुरु की सेवा में लगेगा। बड़ा सरल है ना भाई धन दे देना, तन लगाना कठिन है। जो तन से सेवा करता है वो बड़भागी है, वो निकट पहुंच गया है मन के। यहां मैं एक अवश्य आपको अपना मन का भाव निवेदन कर दूं कि आप तन से सेवा न कर सको, धन से न कर सको, कोई चिंता नहीं, पर कोई ऐसा नहीं है जो मन से सेवा न कर सके। सद्भाव ये मन से की जाने वाली सेवा है। सेवा शब्द का बड़ा व्यापक अर्थ है। आप अपने घर में अपने प्रभु की सेवा करते हैं, अपने इष्ट की, अपने आराध्य की सेवा करते हैं। इसीलिए हमारे वैष्णव आचार्य जितने भी हुए उन्होंने अपने धर्म का केंद्र बिंदु बनाया सेवा। भोर भय से सांझ ढरे तक सेवा को ही नेम हमारा, स्नान करावे, वस्त्र ओढ़ावे, भोग लगावे, वो लागत क्या, कब ते निहारत आपकी ओर के आप हमारी राधे कृष्ण हमारे धाम को जान वृंदावन धाम पर बहुत गंभीर और बड़ा व्यापक अर्थ है सेवा का समझना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी सेवा केवल आपके मंदिर तक सीमित होती है। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्लिया जे तू कदे किसे दा फट नहीं सीता, जे तू कदे किसे दा फट नहीं सीता, एवे फेरी तस्वी कख नहीं कीता।
मैंने बहुत बार देखा घर के मंदिर में अपने प्रभु की सेवा करने वाला व्यक्ति मंदिर के बाहर आकर अपने घर के नौकर पर सहयोगी पर चिल्लाता है। वैष्णव शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ है, माफ करना। तन वैष्णव सा लगे इसमें तो कोई भी झंझट नहीं है, ले लीजिए हाथ में माला और लगा लीजिए तिलक। पर मैं तो भाई अगर कभी मानता हूं तो केवल संत की बात मानता हूं। शास्त्र पुराण मैंने पढ़े नहीं, मुझे उनका कोई अभ्यास भी नहीं है, और गुरु की कृपा से एक एक नाम में ऐसा मन लगा कि अब मुझे पढ़ने और जानने की इच्छा भी नहीं है, मुझे कोई इच्छा भी नहीं है। मैं अभी शायद कहां बेंगलोर में था तो एक व्यक्ति ने मुझे पढ़ने के लिए बाइबल दिया, मैंने उसको माथे से लगाकर उस व्यक्ति को लौटाते हुए कहा, मैंने कहा भाई मेरा काम मेरी भगवद गीता से ही चल जाता है, मुझे अपने मन को कहीं और क्यों लगाना है, पहले ही तो कितना बिखरा मन है, मैं पंडित और विद्वान बनने के लिए क्यों अपने मन को यहां लगाऊं और फिर वहां लगाऊं, मैंने तो संतों से ये सुना है, इस सिर नु चुकाना एक बार चाहिदे, मैं तू जहान तो की लड़ई तैनू यार चाहिदे, कर ल दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदे, मैं तू जहान तो की लड़ई तैनू यार चाहिदे। और फिर बड़े लोग सयाने लोग कहते हैं, बोले सब एक है, जब सब एक ही है तो फिर दूसरी जगह जाने की आवश्यकता क्या है, जब सब में एक ही बात लिखी है तो फिर दूसरी वस्तु पढ़ने की आवश्यकता क्या है। मैं तो संत की बात मानता हूं भाई, पोथी में क्या लिखा है अब उसमें मैं नहीं जाऊंगा, पर मेरी निष्ठा संत की बात में है, और जब संत जब वैष्णव वैष्णव की बात करता है वो बताता है वैष्णव कौन है कैसा। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। कौन कह रहा है? नरसी रोम रोम में बसे कृष्ण जिसके, वो बताता है वैष्णव कैसा होता है। लोकी बुल्ले नु मत्ती देंदे बुल्लिया आवे जा विच मसीती, विच मसीतां दे की कुछ हुंदा जे दिलों नमाज ना नीती, बारों तोते लत्तां गोडे अंदरे रही पलीती, ते बिना काबिल मुर्शिद मिलिया एवें गई है इबादत कीती। पर दुखे उपकार करे मन अभिमान नाने रे, वैष्णव जन तो तेने कही जे पीर पराई जाने रे। आपको आपको धर्म की परिभाषा जाननी है संत के पास जाइए, पर हित सरस धर्म नहीं भाई। तुलसी बाबा कहते हैं रामचरितमानस के हृदय में, गोस्वामी जी लिखते हैं पर हित सरस धर्म नहीं भाई, आपके मन में परोपकार की भावना हो इसके जैसा कोई धर्म नहीं। तब क्या होता है ये जानना है तो संत से सुनिए। सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। असल में होता क्या है, जब आपका मन कठिन होता है ना तब आपको कठिन मार्ग अच्छा लगता है, कठिन मार्ग अच्छा लगता है। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, बोले आप बस नाम ही देते हो, बस नाम। तो मैंने कहा देते भी नाम है और लेते भी बस नाम है, केवल नाम, बस नाम और कुछ नहीं। मैं ना ही किता लबो एक नाम तेरा मैं फबो, कह कबीर मन मान्या मन मान्या तो हर जान्या, जी गोपाल तेरा
जी दया एक नाम, एक नाम। तो तप जानना है तो फिर संत से जानिए। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पार। और तुलसी बाबा कलम तोड़ देते हैं लिख कर, जाके हृदय सांच है ताके हृदय जिस जिह्वा से आप कृष्ण नाम जपते हो, जिस जिह्वा से राम नाम जपते हो, उसी जिह्वा से झूठ बोलते हो। जिस मुख से नाम कहा उसी मुख से असत्य कहा, जिस कान से कथा सुनी उसी कान से निंदा सुनी, जिस मन से प्रभु को प्रणाम किया उसी मन से किसी का अहित चिंतन किया। इसीलिए मैंने कुछ देर पहले कहा, भैया आधे अधूरे नहीं हो पाएंगे आप भगवान के, आधी अधूरी वस्तु भगवान स्वीकार ही नहीं करते। रैदास कहते ना, थन तर दूध सो बछर जूठारी, दूध देखता हूं तो बछड़े ने जूठा कर दिया। पुहुप भंवर जलमीन बिगारी, फूल भंवरे ने जूठा कर दिया, जलमीन ने बिगाड़ दिया। मलया गिर बेधियों भुवंगा, चंदन लेने गया तो वृक्ष पर सर्प लिपटे थे। बिस अमृत दो एक है संगा, राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल और फूल अनूप न पाऊं। क्या क्या पाया रैदास ने, मन ही पूजा मन ही धूप मन ही से सहज स्वरूप। जो घटना कभी बाहर घटे नहीं सकती उसे आप बाहर घटाने की चेष्टा कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, जब तक मन न अनुभूति कर ले उसकी भीतर। कह कबीर मन मान्या, मन मान्या तो हरि जान्या। जब तक आपका मन अनुभूति न कर ले, जो बाहर देखा सुना जाएगा वो भीतर नहीं जाएगा। उसका संकेत पाकर, कल भी मैंने आपको स्मरण हो तो कहा था कि मैं ही कहता हूं कि ये यात्रा मानने से आरंभ होती है, पर आप भूल जाते हैं। मैं कहता हूं यात्रा मानने से आरंभ होती है, समाप्त नहीं। मानकर गुरु की संत की बात मानकर इस यात्रा का आरंभ किया जाता है। पहुंचना तो जानने तक ही है, ये मानने से जानने की यात्रा ही तो है। कह कबीर मन मान्या, मन मान्या तो हरि जान्या। मन माना और हरि जाना, ये मानने से जानने की यात्रा है। संत की बात, गुरु की बात, गुरु का शब्द लेकर इस, देखो राह अंधेरी है, इस मार्ग पर प्रकाश नहीं है। भीतर उतरो तो प्रकाश का है, प्रकाश तो सब बाहर है, प्रकाश की सब व्यवस्था बाहर है। आंख बंद करो तो भीतर अंधेरा। राम नाम मणि दीप धर, जीव दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहस उजिया। अंधकार महा गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सगल निस्तार। और महाराज तो भरोसा दिलाते हैं, गुरु का शब्द न मेटे कोई, कह नानक नानक हरि कोई। इस मार्ग पर, इस अंधेरे मार्ग पर, और फिर मार्ग दो दो दुविधाएं हैं, दो कठिनाइयां हैं इस मार्ग पर। एक तो मार्ग पर अंधेरा है, उसके लिए हाथ में रखना होगा गुरु का शब्द रूपी मणिदीप,
गुरु से जो भी मिला आपको प्रसाद स्वरूप, नाम मिला, शब्द मिला, विचार मिला, जो भी मिला गुरु से जो मिले वो मंत्र है भाई। आपको जरा मैं मंत्र शब्द की भी परिभाषा दे दूं कि मंत्र कोई शब्द का जोड़ तोड़ या शब्द का समूह नहीं होता, जो आपके मन को अंतर्मुखी कर दे। मन अंतर मंतर, मन मंदर तन वेश कलंदर, मन मंदर तन वेश कलंदर, घट विच तीरथ नावा, गुणगानित तेरे गुणगावानित तेरे। कितना भी आप रगड़ रगड़ कर नहाइए पर गंगा गया गल मुकदी नहीं, पर हमें किन्ने गोते खाइए, कितना मल मल के आप नहाइए, जब तक आपके आपके अंतर मन ने स्नान नहीं किया प्रकृति आपको प्रभु के निकट नहीं जाने देगी। मन मंदर तन वेश कलंदर, घट विच तीरथ नावा, गुणगानित तेरे गुणगान। इस मार्ग पर दो कठिनाइयां हैं, मैं बताऊं। एक तो अंधकार है और कबीर कहते निपट सिलसिली गयल, मार्ग इस मार्ग पर काई है। आपने कभी देखा हो किसी मार्ग पर काई जमी हो और पांव धरते ही पांव फिसलता है? उस काई जमे मार्ग पर दौड़ नहीं लगाई जा सकती। इसीलिए कबीर कहता है रेमन संभल संभल पग धरिए, गिरने का भय है उस पे। और काई किसकी है? कहनानक बिन आपाची है, मिटे न भ्रम की काई। भ्रम की काई है भ्रम, भ्रम से जन्म होता है भय का। तो बिना संत के, बिना गुरु के प्रसाद के कर्म सेवा न बने, और जब तक कर्म सेवा न बने तब तक कर्म बंधन से मुक्ति संभव नहीं। कितना भी पुण्य कर्म आप करिए, मैंने कई बार व्यासपीठ से निवेदन किया डोंगरे बापा के शब्द, वो कहते थे पाप पुण्य कमाना आसान है, पाप छोड़ना मुश्किल है। पुण्य कमाना तो सरल है, तन से मन से धन से जैसे आपसे बन पड़े आप कमा सकते हैं, पर पाप छोड़े मन ये बहुत कठिन है। पुण्य कमा लेंगे आप, मन पाप में ना जाए, मन पाप में ना जाए इसकी व्यवस्था कौन करेगा? गुरु की कृपा के बिना मन निर्मल होए संतातुर है, इसकी गुरु की कृपा के बिना मन पाप में ना जाए इसकी व्यवस्था कौन करे? तो सेवा कैसी? तन से मन से धन से, तन से हो सके तन से करिए, मन से हो सके मन से करिए, धन से हो सके धन से करिए, पर तन धन न हो सेवा के योग्य, तन दुर्बल हो धन का अभाव हो तो भी अपने आप को वंचित न समझिए। सेवा से स्वयं को वंचित न करिए तो भी आपके पास एक विधि है, एक युक्ति है, और वह है मन से सेवा। अब आप पूछेंगे मन से कैसे हो सेवा? सर्व के प्रति सद्भाव मन में धर के, भाए कुभाए अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसी दस हूं, माला के कुछ मन के, माला के कुछ मन के सबके हित के सबके कल्याण के लिए फेर दीजिए। ये मन से की जाने वाली सबसे श्रेष्ठ सेवा है। और मैं तो जहां जहां जाता हूं भाई, व्यास पीठ में अंतिम दिन विराम के दिन मेरा एक यही आह्वान होता है कि कोई भी प्राणी मात्र जीव मात्र इस सेवा के सुख से वंचित ना रहे। सेवा श्रम नहीं होती भाई, सेवा तो सुख होती है। सेवा से परिश्रम नहीं होता, सेवा से सुख होता है। मुझसे कभी कोई पूछ लेता है, बोले आप थक नहीं जाते? आज यहां कल वहां, आप थकते नहीं? तो मैंने कहा आप थकिए, मैं क्यों थकूं? मैं जन्म जन्म गुण गावा गुण गावा नित्य।
तेरे गुण गावा। अभी उस दिन कोई कह रहा था, बोले आप महीने में 15 दिन 18 दिन सत्संग करते हैं। मैंने कहा अपनी अपनी दृष्टि है भाई, आपको लगता है 18 दिन करते हैं, मुझे लगता है 12 दिन नहीं करते हैं। 12 दिन नहीं होता, क्योंकि मैंने भाई संत की वाणी में गोता लगा के यही पाया है, कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाम वासा, मोहि आही प्यासा तेरे नाम वासा, हरि चरण कमल मकरन लोभित मनो मन दिनो मोहि आई प्यासा, कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाम वासा, मोहे आई प्यासा तेरे नाम मोहे आई प्यासा तेरे नाम वासा। तो एक बार हाथ ऊंचा करके मेरे साथ आज संकल्प कर लीजिए, केवल 2 मिनट आप नित्य प्रति प्रभु के नाम का, हरि नाम का उच्चारण करेंगे, अपने लिए नहीं सबके लिए। केवल 2 क्षण मैं आपसे चाहता हूं, आपके जीवन का ये जीवन व्रत कोई भी दिन सेवा से खाली न रहे, कोई भी दिन सेवा से वंचित न रहे। मैंने सुना धर्मशास्त्र कहते हैं कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा आपको शुभ कर्म में लगाना चाहिए। मैं कहता हूं कि जीव की सबसे बड़ी कमाई क्या है? धन नहीं, धन कमाई नहीं है भाई, ये जीवन, जितना समय आपके मेरे पास है ना, ये आपकी मेरी वास्तविक संपत्ति है, ये आपका मेरा वास्तविक धन है। मन वे ए पूंजी स्वासादि एनुला दे प्रभु दे लेखे, ए जग पे आवेखे भजन कर गोविंद दा। मन वे भजन असली कमाई तो आपके मेरे पास जो समय है ना, ये आपका मेरा असल धन है। तो उस धन का 10वां हिस्सा लगाओ, बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाओ मुझे तो उसमें जाना नहीं है, पर मैं आपको ये जरूर कहूंगा, ये जो समय रूपी धन आपके पास में है ना, प्रयास करना इसका 10वां नहीं तो कुछ हिस्सा जरूर प्रभु के सुमिरन और सेवा में जाए। ये मनुष्य होने के नाते आपका कर्तव्य है। ये जो समय आपके पास है, जीवन आपके पास है, इसका 10वां अंश जरूर भगवत सेवा में जाए, सत्संग में जाए, सुमिरन में जाए। आपकी मेरी वस्तुतः असल संपत्ति यही है। कभी मन को प्यार से ले जाना पड़ता है, कभी दुलार से ले जाना पड़ता है, और कभी कभी फटकार के भी ले जाना पड़ता है। ये कार्य आपको करना होगा। पहले दिन मैंने आपको कहा था आपके भीतर आपके अतिरिक्त कोई नहीं उतरेगा। कभी मन को प्यार से ले जाया जाता है सत्संग में, सेवा में, कभी दुलार से ले जाया जाता है, और कभी कभी फटकार से भी ले जाया जाता है। कबीर फटकारते हैं अपने अपने मन को, अपनी चेतना को। तरम राए जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा, मन राम सिमर पछताएगा, रे मन राम सिमर। तन जोवन का गर्व न कीजे, कागद जो गल जाएगा, रे मन राम सिमर पछताएगा, रे मन राम सिमर पछताएगा।
कहत कबीर सुनो भाई साधो। और पते की बात अपने मन से कहते हैं कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत तर जाए गारे मन, राम सिमर पछताए गारे मन, राम सिमर पछताए। तो मैं तो नहीं थका, आप भी मत थकना, और आप और मैं इसी प्रकार हिल मिलकर उसका गुण गाते रहें, उसको पुकारते रहें, उसके निकट जाने का प्रयास करते रहें, जीवन को उसके योग्य बनाने की चेष्टा करते रहें। मेरी दृष्टि में इससे श्रेष्ठ साधना कोई और नहीं।